नमस्कार संजय सर, मैं आज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये पीएसएस का पार्ट नेक्स्ट लाए हैं, अगला पार्ट है। इसमें कुछ बच्चों ने ये करण ने क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती है। यदि वह स्वयं की चाल से चले तो कितना समय बचा लेगी? यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखने वाली है, जो चाल होती है वो समय के उल्टा होती है। ध्यान दें बच्चे, चाल जो होती है स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। क्लियर है? तो यहाँ पे मान लिया ये पहले है और यहाँ पे बाद, चाल की बात हो रही है। पहले चाल हमने 1 मान लिया, अपनी स्वयं की चाल के 7/11। तो अब ये 1 का 7/11, 1 × 7/11 7/11 गुना हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा 11:7 हो जाएगा। चाल हो गई 11:7, तो समय कितना हो जाएगा? आप यहां पे देख रहे हैं ये इन्वर्सली रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन। तो 11:7 अब हो जाएगा 7:11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब 7/11 चाल से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है, तो यहां पे समय बाद वाला समय कितना दिया है, 11। तो 11:1 बराबर हो जाएगा 22 घंटे, 1:1 बराबर हो जाएगा 22/11, 11 × 22 2 घंटे। अब कह रहा है कितना समय बचा लेगा, तो पहले समय कितना लगता था 7 यूनिट, अब कितना लग रहा है 11:1, तो इनका कितना बच रहा है समय 7 और 11 में, 7×4 11, 4:1 की क्या हो रही बचत। तो 4:1 बराबर हो जाएगा 4×2, 4×2 8 घंटे। कितना समय बचा लेगा, 8 घंटे। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि पहले कितना समय लगेगा, तो 11×2 = 14 घंटे, बाद वाला समय 11×2 = 22 घंटे, जो कि आपको दे रखा है। क्लियर है? तो 14 और 22 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 का आ रहा है, वही यहां पे 8 हो गया। अगर आपसे पूछे पहले कितना समय लगता, तो 14 घंटे, बाद का समय 22 घंटे, बचत कितनी हो रही 8 घंटे की। तो अगर 7/11 चाल से चलता है तो इस कितने समय की बचत हो जाएगी, अगर स्वयं की चाल से चलता, तो स्वयं की चाल ज्यादा तेज थी इसलिए वहां पे 14 घंटे लगते, तो 8 घंटे की बचत हो जाती। कोई धनराशि चक्रवृद्धि व्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? ये चक्रवृद्धि व्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें इसको। कोई धनराशि है, मान लिया 1 है, कितने वर्षों में ये 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि जितने समय में जितने गुना होगी, उतने ही समय में उतनी गुना हो जाएगी। फिर से क्लियर है? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे लगाता हूं। जैसे ये धनराशि 5 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 5 वर्ष में 2 गुनी, तो अगली बार ये 2 गुना कितना समय लगेगा, 5 वर्ष ही लगेगा। अगली बार 2 गुना, इसका 2 गुना कितना होगा, 4, तो कितना समय लगेगा, 5 वर्ष। फिर से धनराशि 2 गुना होगी तो कितना समय लगेगा, 5 साल, 4×2 = 8, कितना समय लगेगा, 5 साल। तो जितने समय में एक धनराशि जितना गुना होगी, उतने ही समय में उतना गुना आगे हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे आप ध्यान से देखें, 2 गुना 5 साल फिर 2 गुना 5 साल फिर 2 गुना 5 साल, तो 8 गुना कितने समय में हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 साल 5 साल 5 साल कितना हो गया, 15 ईयर्स। क्लियर होगा आपको? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी,
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप ए तथा बी खोज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए? देखिए, हौज 24 मिनट में भरना है, पहले से ही टाइम यहाँ पे दे रखा है। पहला पाइप और दूसरा पाइप, दोनों पाइप साथ साथ खुले हैं, दोनों पाइप साथ साथ खुले हैं, और दूसरा वाला पाइप पहले थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। पहला पाइप शुरू से ले कर आखिरी तक चलता रहता है, क्लियर है? तो 24 मिनट तक आपको ये बात पता है कि पहला पाइप जो है वो 24 मिनट तक लगातार चलता रहेगा। पहला पाइप अगर लगातार 24 मिनट चलता रहेगा तो अकेले 24 मिनट भरेगा, उसी में से जो बचा होगा तो ए ने भरा होगा। देखिएगा कॉन्सेप्ट, ए बी, ए को लगता है 30 मिनट, बी को लगता है 40 मिनट, एलसीएम इसका हो जाएगा 120। तो ये टोटल कैपेसिटी कितनी? 120, मान लीजिए 120 यूनिट है, 120 लीटर मान लीजिए पानी है इसमें, टंकी की क्षमता कितनी है? 120 लीटर है, ठीक है? तो एक मिनट में कितना भर लेगा ये? 30 से भाग दे दीजिए, 4 लीटर प्रति मिनट, ये 3 लीटर प्रति मिनट, ये 4 लीटर एक मिनट में भरता है, ये 3 लीटर, ए की क्षमता हो गई 4 और बी की क्षमता कितनी? 3। पहला पाइप देखो, हम ग्राफ के माध्यम से यहां समझाते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला पाइप ये कंटिन्यू चालू है, दूसरा पाइप ये यहां चालू है लेकिन ये स्टॉप हो गया, और ये है टंकी भरने का समय, ये टंकी भर जाएगी यहां पे, क्लियर है? ये ग्राफ आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, ये यहां टंकी भर जाएगी 24 मिनट में, 24 मिनट में हौज क्या है? पूरी तरह भर जाता है। तो आप देख रहे हैं पहला पाइप शुरू से लेके आखिरी तक चालू है, शुरू से लेके आखिरी तक अगर चालू है तो 24 मिनट तक ए पाइप क्या लगातार चलता रहेगा? ध्यान दें, क्या ए पाइप 24 मिनट लगातार चलता रहेगा? हाँ चलता रहेगा। तो आप देख रहे हो एक मिनट में कितना भर रहा है? 4 लीटर। अगर एक मिनट में 4 लीटर भर रहा है तो ये 24 मिनट तक ए नल लगातार चल रहा है, तो इंटू 24 को 96 लीटर क्या होगा? पानी अकेले भरा होगा, किसने? ए ने। तो भाई 120 लीटर पानी आता है टोटल टंकी में, 96 लीटर अकेले ए ने भरा है, तो बी ने कितना भरा होगा? शेष निकाल लीजिए, 120 माइनस 96। तो ये 120 लीटर पानी किसने भरा होगा? बी ने भरा होगा, यहां से यहां तक। तो बी की क्षमता कितनी है? 3 से भाग दे दीजिए, 3 8 24, तो 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपने देखा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी रेलवे के लिए ये पूछा जा सकता है। ये पीएसएस के क्वेश्चंस आप हमें भेजते रहें, जो क्वेश्चन आप भेजते हैं यहाँ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। संजय सर मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे या संजय सर मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।